सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हेलो बैक। आज हमको स्टार्ट करना है 8.3 एक्सरसाइज। लास्ट टाइम मैंने 8.2 तक आपको समझाया था, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मुझे एक पेरेंट का कॉल आया था। तो बेटा, मैं कुछ अजीब अजीब चीजें सुनता हूँ आजकल। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, क्या ग्राफ पेपर फाड़ के हमको चिपकाना पड़ेगा? क्यों चिपकाओगे बेटा ग्राफ पेपर? आप लोग क्यों फाड़ोगे बताओ? आप लोग ग्राफ पेपर, आपकी जो ग्राफ कॉपी रहेगी, आप सारे ग्राफ अपने ग्राफ कॉपी में ही बना के रखो। आपको उसको फाड़ करके ऐसे कॉपी में स्टिक वगैरह नहीं करना है, ठीक है? ये सब अपन जूनियर क्लासेस में करते थे। सीनियर क्लासेस में बेटा वो ग्राफ कॉपी खराब होगी, ठीक है? ऑलरेडी हमारे पास डेटा हैंडलिंग चैप्टर है इससे पहले, जिसमें पाई चार्ट वगैरह या हिस्टोग्राम या बार ग्राफ हमको ग्राफ कॉपी में ही बनाना है। तो आप एक ग्राफ कॉपी ले लो, बड़ी बड़ी साइज की जो ग्राफ कॉपी आती है, तो ये सारे ग्राफ आप उसी कॉपी में बनाओ। और उसके बाद जो वो ग्राफ कॉपी को आप संभाल के रख दो, क्योंकि पेजेस आपके बचेंगे। तो फिर जो बचे हुए पेजेस में आप इसके बाद का जो चैप्टर में ग्राफ वाला जो भी पढ़ाऊंगा, तो उसको भी आप बना लेना, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो, फाड़ के ऐसा कॉपी में स्टिक वगैरह नहीं करना है। उससे ग्राफ कॉपी भी खराब होगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ज्यादा बेटर है आप अपनी ग्राफ कॉपी बिल्कुल सेपरेट बनाओ, उसको अच्छे से रखो। अपन 8th में भी वैसे ही करेंगे, 9th में भी वैसे ही करेंगे, ठीक है? इवन इन 10th ऑल्सो आपको इस टाइप का नहीं करना है। चलो 18.3 स्टार्ट करते हैं। नाउ 18.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, ठीक है? सबसे पहले बोला है साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस एंड इट्स पैरामीटर इज दिस। इज इट अ लीनियर ग्राफ? क्या ये लीनियर ग्राफ है, आपको चेक करने बोला है। तो चलो मैं आपको अगेन इसके लास्ट पेज से ही समझा पाऊंगा। Now, कोशिश करो कि आप अपना बुक ओपन करके रखो, ठीक है? सॉरी, फर्स्ट है ना, ठीक है? तो देखो बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर तुम अगेन एक्स एक्सिस में ले लो और पैरामीटर को तुम वाई एक्सिस में ले लो। अब देखोगे, अगर आप ना देखो यहाँ पर, अब स्केल लेना मुझे आपको बताना पड़ेगा कि स्केल कैसे लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ और इसको वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, तो अब ध्यान से इसकी वैल्यूज देखो। ये है 2, ये 3, ये 4 और ये 5.5। तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, ये बहुत छोटी वैल्यूज है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम जो एक्स एक्सिस में स्केल लेंगे वो लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है? यानी कि 1 1 यूनिट के गैप में 1 1 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स है। और अगर हम पैरामीटर देखेंगे तो पैरामीटर में 8, 12, 16, 22, आखिरी 22 तक गया है। तो आप क्या करो, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट ले लो, यानी कि आप 2 2 यूनिट लिखो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप 2 2 के नंबर में गैप में एक एक बॉक्स में लिखो, क्योंकि वो आएगा नहीं ना। 1 1 से लिखोगे तो 22 तक शायद ही आएगा किसी के कॉपी में, तो आप 2 2 का लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो इस टाइप से हम स्केल डिसाइड करते हैं। वाई एक्सिस में 2 2 की लेंगे और यहाँ फाइनली 0 रहता है, और एक्स एक्सिस में हम 1 1 का लेंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है? तो इस टाइप से हम स्केल डिसाइड करते हैं क्वेश्चन की वैल्यूज को देख के। तो चलो अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ देख लेते हैं ना। देखो सब लोग यहाँ ध्यान से देखो, आप लोग को विजिबल होगा। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है साइड ऑफ अ स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है मैंने पैरामीटर, ठीक है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस टाइप से आप ग्राफ बनाओगे। अगेन एक्स एक्सिस में 1 1 बॉक्स को 1 1 सेंटीमीटर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस में आप लोग 2 2 का ले लेना। देखो यहाँ पर इसने 4 8 12 16, 4 4 का लिया है बेटा, क्योंकि ना एक्चुअल में इनका ग्राफ छोटा है, ठीक है? इनको इतने से बुक में आपको ग्राफ बना के बताना पड़ रहा है, तो इसलिए इन्होंने 4 4 का लिया है, सॉरी। अदरवाइज आप अपने ग्राफ में 2 2 का लेना तो काफी अच्छा बड़ा बड़ा सा बनेगा। तो आप लोग 2 2 का लेना, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ठीक है? यहाँ 6, यहाँ 8, आप इस टाइप से स्केल लोगे। चलो फिलहाल अभी मैं इसके हिसाब से बता दे रहा हूँ, आप 2 2 का लेके बनाना, ठीक है? तो अब देखो, आप सबसे पहला पॉइंट अपने बुक में क्वेश्चन में देखो, तो पहला पॉइंट आपको दिया है साइड ऑफ द स्क्वायर जब 2 है तो उसका पैरामीटर आपका 8 आ रहा है, ठीक है? तो हम 2 से जाएंगे 8 की तरफ, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिया होगा 3, 12, तो आप यहाँ से 3 एक्स एक्सिस में 3 से सीधा ऊपर वाई एक्सिस में 12 पे आओगे, तो ये हो गया 3, 12। अगेन नेक्स्ट पॉइंट दिया होगा आपका 4, 16,
तो यहाँ से 4 हो गया और ये आ गया 16 को 4,16। अगेन नेक्स्ट आपका दिया होगा 5.5 कॉमा, मेरे ख्याल से 22 दिया होगा, या देख लेना आपको जो भी दिया होगा, तो वहां पर आप ये मार्क करोगे। अब आप 2 2 का स्केल लोगे तो ये भी पॉइंट आपका बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको ग्राफ में। उसके बाद क्या करोगे आप, स्केल रख के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो आपको लीनियर ग्राफ के बाद आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। एक चीज बस ध्यान देना बेटा, ग्राफ की डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस में ये पैरामीटर लिखना, ठीक है, ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक्स एक्सिस में ये लिखना, ठीक है, कि हम क्या एक्चुअल में है, क्या एक्स एक्सिस, दैट इज अ साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो ये दोनों आप डिटेलिंग करोगे, प्लस स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले भी बताया था स्केल लिखना कंपलसरी है। एक्स एक्सिस में आप क्या स्केल लिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। आपके हिसाब से वाई एक्सिस में आप क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। वो यूनिट आप यहाँ मेंशन कर ही रहे हो कि सेंटीमीटर में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, लीनियर ग्राफ बना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ को लीनियर ग्राफ बोलते हैं, तो बना हमारा लीनियर ग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हमारा हो गया, नाउ ड्रॉ अ ग्राफ डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अगेन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में साइड ऑफ द स्क्वायर पैरामीटर के बेसिस पे था, अगेन सेकेंड क्वेश्चन साइड ऑफ द स्क्वायर और एरिया के बेसिस पे। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, सेम एज इट इज बनाना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अब बेटा आप लोग टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, नहीं नहीं मेरे ख्याल से 7th क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुका होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आप इस साल पढ़ोगे। ठीक है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज अ SI, अगर आपको याद होगा तो इट इज नथिंग बट P इनटू R इनटू T अपॉन 100, राइट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। नाउ बोला है आपको ग्राफ ड्रॉ करो टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड SI, तो आपको टाइम और SI के बीच में रिलेशन बनाना है ऑन द सम ऑफ 200। तो बेटा देखो, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल आपको 200 दिया है एट अ रेट ऑफ 5% और आपको रेट दिया है 5%। तो चलो हम सबसे पहले ना गिवन लिख लेते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। हमको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये बना रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या दिया है, गिवन सम यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया है प्रिंसिपल, रुपीज 200, और हमारा रेट दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 5%। तो बेटा हमको बोला है कि SI सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में हमको रिलेशन बनाना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम के बीच में हमको रिलेशन बताना है और उसका ग्राफ बनाने बोला है हमको। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा चीज है। देखो हमको SI का फॉर्मूला मालूम है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अब आप एक काम करो, प्रिंसिपल और रेट आपको दिया है उसको इस इक्वेशन में रखो, तो क्या आ जाएगा, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 200 इंटू रेट है 5% इंटू टाइम कैपिटल T अपॉन 100, राइट। तो देखो 0 0 एंड 0 0 कैंसल, तो SI आ गया अगेन 2 5 10, तो 10 इंटू T टाइम। अब हमको रिलेशन बनाना था, तो यही है वो रिलेशन सिंपल इंटरेस्ट और टाइम के बीच में, कि SI इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टाइम। नाउ अब देखो करना क्या है आपको, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है। अब आपको ग्राफ बनाना है तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा बॉक्स बनाना सीखो, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाओगे अपने कॉपी में ग्राफ। अगेन देखो डाउट मत रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाने हैं, इवन ये सारे सॉल्यूशंस जो ग्राफ कॉपी के बाजू में लाइन पेज होता है आपको वहां करने हैं। ठीक है, तो देखो
हमको यहाँ पर दो क्वांटिटी लेनी है, एक लेना है सिंपल इंटरेस्ट और एक लेना है हमको टाइम। ठीक है, तो बेटा देखो कोई भी एक चीज आप एज्यूम करते जाओ उसके हिसाब से आपका ग्राफ बनता जाएगा। अब सपोज देखो मैंने टाइम को ले लिया 1 ईयर, अगर मैं टाइम को 1 ईयर लेता हूँ, ठीक है, टाइम को अगर हम ईयर में ले रहे हैं, तो अगर मैं टाइम को 1 ईयर ले लूं, ठीक है, तो बताओ टी के जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल टू 10 into 1 विच इज इक्वल टू 10। तो अगर टाइम को 1 ईयर ले रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 10। ठीक है, अगेन देखो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर आप अपन टाइम को 2 ईयर लेते हैं तो बताओ अगर मैं टाइम को 2 लेता हूँ तो 2 10s कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। वैसे अगर मैं टाइम को 3 ईयर लेता हूँ तो 3 10s कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 30। वैसे टाइम को अगर मैं 4 ईयर लेता हूँ तो 4 10s कितना हो जाएगा, 40। तो बस आपको इसी से रिलेटेड ग्राफ बनाना है। आया समझ में कैसे करेंगे हम? सबसे पहले सॉल्व करें इसको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए, प्रिंसिपल और रेट को पुट किया, एसआई और टाइम के बीच में रिलेशन आ गया। तो फिर पहले टाइम का 1 ईयर एज्यूम कर लो, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 4 ईयर, उसके हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता जाएगा। तो इस टाइप का आपको ब्लॉक बनाना है। ठीक है, अब जस्ट आपको इस ब्लॉक को पुट करना है बेटा ग्राफ में। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, अगर मैं टाइम को एक्स एक्सिस में लेता हूँ तो एक्स एक्सिस में यूनिट क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 2 3 4। और वहीं अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट को वाई एक्सिस में लेते हैं, अब सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 40 आ रही है, तो बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप 5 की स्केल ले सकते हो। 5 कभी भी याद रखना बेटा, बड़ी स्केल नहीं लेना, लेना चाहो तो आप 10 की भी ले सकते थे, लेकिन ग्राफ बड़ा छोटा सा बनेगा, 10 20 30 40, यानी इतने बड़े ग्राफ पेपर में इतना छोटा सा ग्राफ अच्छा नहीं दिखता। तो ज्यादा बेटर है आप 5 की स्केल लो, 5 10। ठीक है, क्योंकि छोटी स्केल लेने से होता क्या ना, वो आपका ग्राफ जो छोटा बन रहा था ना वो अब बड़ा एनलार्ज होकर आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो 5 10 15 20 25 30 इस टाइप से आप मेंशन कर लेना। ठीक है, तो अगेन मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो कॉपी में। चलो ग्राफ देखेंगे, है ना, इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा, ये साइड ऑफ द इसका, अच्छा ये तो होमवर्क दिया था मैंने आपको, थर्ड क्वेश्चन था ये। ये देखो इंटरेस्ट को वाई एक्सिस में लिया, यहाँ पर 10 20 30 करके इन्होंने लिया, आप 5 करके लो, आपका ग्राफ और अच्छा बनेगा, बड़ा बड़ा बनेगा अच्छे से, बड़ी कॉपी है तो आप बड़ी यूनिट छोटी यूनिट ले सकते हो। और यहाँ टाइम 1 2 3 4 आप 5 ले लो, उसके बाद जस्ट आप पुट कर दो ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप एक लीनियर ग्राफ बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, स्केल रख के लाइन खींच देना, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाना अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाला ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे ग्राफ भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया ना, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, रीड करो क्या दिया हुआ है। ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है, ऑफ अ कार। ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं आपको हिंट देता चलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, ग्राफ तो आप बना लोगे, याद रखना एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी याद रखना जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, डेट इज योर टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टोटल टाइम। तो अब देखो रिलेशन बनाना ही था, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, व्हाट इज एवरेज स्पीड, इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो आपको एवरेज स्पीड दिया है बेटा कितना, 50 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड की जगह आप 50 रखोगे, मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट ना। तो एक काम करता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस को ना एक काम करते हैं, और इजी करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और टोटल टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, टी इंटू 50 मस्ट बी इक्वल टू डी,
यानी टी इंटू 50 मस्ट बी इक्वल टू डी, टोटल टाइम इंटू 50, एवरेज स्पीड 50 इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब देखो फिर से रिलेशन बन गया, तो फिर से रिलेशन बन गया, तो अब देखो यहाँ पर आपको ग्राफ किसके किसके बीच में बनाने बोला है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपको ग्राफ बनाने बोला है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस और यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइम। एज्यूम करते जाओ, अगर आप टाइम को 1 एज्यूम करते हो तो डिस्टेंस आ रहा है 50, ठीक है। टाइम को अगर आप 1 एज्यूम करते हो तो 1 इंटू 50 50, अगेन टाइम को अगर मैं 2 एज्यूम करता हूँ 2, तो 2 इंटू 50 100 आ जाएगा। अगेन टाइम को तुम 3 एज्यूम करते हो तो 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150। वैसे अगर टाइम को तुम 4 एज्यूम करते हो तो कितना हो जाएगा 200। इस टाइप से आपका टेबल बन जाएगा, तो आपका ग्राफ भी बन जाएगा। होपफुली मेरा ये हिंट आपको काम आएगा ग्राफ बनाने के लिए। तो एक्चुअल में फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क था, ये मेरे तरफ से आपके लिए हिंट हो गया, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ग्राफ जरूर बना के देखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ दिस, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द अजीत। नाउ बेटा दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क टू यू। अगेन इसका हिंट दे देता हूँ, आपको स्पीड दिया है, आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको अच्छे से मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, स्पीड आपका दिया है 30 इनटू टाइम टी। अगेन रिलेशन बन गया, बॉक्स बनाओगे, टाइम को एज्यूम करते जाओगे, डिस्टेंस मिलते जाएगा, ग्राफ बनाओगे, और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ की हेल्प से आप ये दोनों क्वांटिटीज को फाइंड आउट करोगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली होमवर्क फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने अभी ऊपर बताया सेम उसी टाइप का ही है, तो आप लोग ये याद रखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2008। फिक्स्ड डिपॉजिट है, रेट है, रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय ड्रॉइंग द ग्राफ। अगेन बहुत ईजी है, ठीक है। लास्ट में बस आपको लीनियर लाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो मैं ग्राफ आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ईयर लिखा है, ग्राफ कैसे लेना है ये मैं बता देता हूँ। देखो ये आप दो लाइन बनाओगे, यहाँ पर आप जीरो लिखोगे, स्टार्ट फ्रॉम 2001 एनवर्स, तो जीरो के बाद 2001, 2002, 2003। अच्छा यहाँ किंग का साइन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमने वन बॉक्स को 2000 ही लिया है, तो 2001 या आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वन बॉक्स वन यूनिट का ही लिया हमने, तभी तो ये 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, फिर 2005, 2006, 2007, 2008 तक हमने यहाँ पर बॉक्स में ले लिया एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ ये साइन बना सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 2000 तक कोई भी नंबर नहीं शो किया है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वाई एक्सिस में बेटा हाईएस्ट 12 है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसने 2 की यूनिट लिया है, आप बिल्कुल 1 की ही यूनिट लेना, क्योंकि आपका ग्राफ ऊपर से बहुत बड़ा है, आराम से 1 की यूनिट में आप बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस में इयर्स लिख दिए हमने, वाई एक्सिस में आपने यूनिट लिख देना 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 12। अब देख लो आप 2001 में 12 है, 2002 में समथिंग, 2003 में 12, 2004 में 10, इस तरीके से आप अपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब जैसे विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ज्वाइन करोगे, ये आपका एक लाइन ग्राफ बन जाएगा, और दैट इज योर आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्केल जरूर लिखना। यहाँ पर एक्स एक्सिस में इसलिए स्केल नहीं लिखा है क्योंकि उसने एक्स एक्सिस में स्केल लिया ही नहीं है, उसने डायरेक्ट यहाँ से 1, 2, 3, 4, लेकिन आप यहाँ पर किंग का साइन बना के आप ये भी लिख सकते हो, स्केल ऑन एक्स एक्सिस is 1 centimeter is equal to 1 unit. अब 1 unit आप बोलोगे सर 2001 unit बोल रहे हो, क्यों 1 unit बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि 2001 के बाद next 2002 ले रहे हैं, तो देखो एक एक का difference है, 2001, 2002, 2003. अगर आप 2002 को 2001 के साथ माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो हमने 1 1 का यूनिट लिया है, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये ग्राफ बनेगा। अगेन होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकन है ये चैप्टर, क्योंकि आपको धीरे धीरे करना होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, कभी भी आप जब ग्राफ बनाते हो तो आपका जो पेंसिल होना चाहिए वो बहुत ही फेंट चलना चाहिए बेटा, डार्क पेंसिल बिल्कुल मत चलाना,
क्योंकि अगर आपसे एक बार मिस्टेक हो गई और उसको आप रब करोगे तो आपका जो ग्राफ पेपर का जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपका ग्राफ होता है देखना, वो ग्रीन कलर उसमें से फेड हो जाता है। तो वहां से कोई भी टीचर को समझ में आ जाता है कि इसने मिस्टेक किया होगा, रब किया होगा, तो वहां मार्क्स कटते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा एग्जाम आप दे रहे हो, बोर्ड वोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर राइटिंग में भी मार्क्स रहता है, नीट एंड क्लीन आपका दिखना चाहिए, उसमें भी मार्क्स रहता है। ठीक है, तो कोशिश करना इरेजर बिल्कुल यूज ना करो, और हाथ अगर चलाओ तो बिल्कुल ग्राफ में एकदम फेंट लाइंस से करो, कोई भी एकदम डार्क नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ये चैप्टर को पेंडिंग नहीं छोड़ना बेटा, ग्राफ कॉपी लो और ग्राफ को एनसीईआरटी ये अपनी बुक सामने रखो और ग्राफ कॉपी में आप लाइन से सॉल्व करोगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, सर कॉपी में करना है या कुछ करना है, पूरे ग्राफ के क्वेश्चन है बेटा, तो पूरे ग्राफ कॉपी में ही सॉल्व करोगे। उसमें लाइन वाला पेज होता है तो वहां पर आप इक्वेशन बना के जो बॉक्स बनाने वाला काम है आप वो वहां करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।